Hi friends, welcome back to your channel Useful Tips and Tricks for Home। गर्मियों का सीज़न शुरू हो रहा है और बाहर बहुत ही कड़ी धूप निकलती है और इसी धूप में मैं हमेशा हेवी ब्लैंकेट्स या फिर इस तरीके के जो बेड पिलोज़ होते हैं उसे हमेशा क्लीन करके रखती हूँ। और इन पिलोज़ को मैं घर पर ही आसान तरीके से कैसे क्लीन करती हूँ इसका एक क्विक तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास कुछ ये पिलोज़ है, इसका कवर मैंने निकाल दिया है और जैसे नॉर्मली पिलोज़ का हाल होता है वैसे ही इस पिलो का भी है। इसके ऊपर काफ़ी पीले स्टेन जमा हो गए हैं और इन पिलोज़ के ऊपर इस तरीके से दाग लगते हैं हमारे बालों की ऑयल लगने से या फिर पसीना लगने से, ये पिलोज़ इस तरीके से पीले हो जाते हैं। तो इस तरीके के पिलोज़ को कुछ ही मिनट में अच्छी तरीके से साफ़ करने का एक तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इन पिलोज़ को साफ़ करते हैं और इन्हें मैं आज साफ़ करूँगी वॉशिंग मशीन में। तो मेरे पास है ये 5.5 केजी की एलजी ब्रांड की फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन और इसी में ही मैं हमेशा इन पिलोज़ को क्लीन कर लेती हूँ। इस वॉशिंग मशीन में एक ही बार में जस्ट दो ही पिलोज़ वॉश हो सकते हैं, इसलिए अभी मैं सिर्फ दो ही पिलोज़ इसमें ऐड कर रही हूँ। वॉशिंग मशीन में पिलोज़ वॉश करने से पहले इन पिलोज़ के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई होती है उसे आप केयरफुली ज़रूर पढ़ें, क्या ये मशीन वॉशेबल है या नहीं, या फिर इसको कितनी टेम्परेचर तक आपको मशीन में वॉश करना है, कैसे सुखाना है और ऐसे कई सारे इंस्ट्रक्शन इन पिलोज़ के ऊपर दिए गए होते हैं, उसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। तो चलिए सबसे पहले डिटर्जेंट के इस डिस्पेंसर बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं और इसमें हम ऐड करेंगे लिक्विड डिटर्जेंट। अगर आपके पास लिक्विड डिटर्जेंट नहीं हो तो आप सिंपल कोई डिटर्जेंट भी यूज़ कर सकते हो जो आप डेली कपड़े वॉश करने में यूज़ करते हो। और नेक्स्ट हमें इसमें ऐड करना है बेकिंग सोडा। आप जितना डिटर्जेंट पाउडर यूज़ कर रहे हो उसके ही अकॉर्डिंग सेम क्वांटिटी में आपको बेकिंग सोडा ऐड करना है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे फैब्रिक वाइटनर। तो मेरे पास ये रिन ब्रांड का आला है जो फैब्रिक वाइटनर, वो इसमें मैं ऐड करूँगी पूरा एक कैप। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपकी पिलोज़ भी मेरे पिलोज़ की तरह ही पूरी तरीके से वाइट कलर के हो तो ही आपको इस फैब्रिक वाइटनर का यूज़ करना है। अदरवाइज़ अगर पिलोज़ के ऊपर कुछ प्रिंट वगैरह हो या फिर पिलो ही कलरफुल हो तो आपको इसे स्किप करना है, इसका यूज़ नहीं करना है। तो चलिए अब हम वॉशिंग मशीन को करेंगे ऑन और यहाँ पे मैं क्विक 30 के मोड पर इस पिलोज़ को क्लीन करूँगी। तो इस वॉशिंग मशीन ने क्विक 30 मोड पे ऑलरेडी 30 टेम्परेचर सेट कर लिया है और स्पिन मोड भी सेट कर लिया है और इसे अब हम करेंगे स्टार्ट। अगर आपके पिलोज़ कलरफुल हो या फिर इसके ऊपर कुछ कलर प्रिंट वगैरह बनी हो तो मैंने तो कहा ही है कि आपको फैब्रिक वाइटनर यूज़ नहीं करना है, तो इसके इंस्टेड आप उसमें ऐड कर सकते हो थोड़ा सा वाइट विनेगर। विनेगर की हेल्प से भी इन पिलोज़ को साफ़ करने में बहुत ही आसानी होती है। इसे वॉश करने के लिए हमने डाला था डिटर्जेंट जो इसे साफ़ तो करेगा ही, लेकिन इसके साथ हमने जो बेकिंग सोडा डाला था ये इन पिलोज़ के ऊपर लगे हेवी स्टेन्स को निकालने में मदद करेगा। तो लीजिए, मेरे मशीन ने ये पूरा साइकिल अब कंप्लीट कर लिया है और मशीन बंद करने के बाद अब हम एक एक करके इन पिलोज़ को बाहर निकालेंगे। मशीन से बाहर निकलते ही इसके अंदर जो भी फोम होता है वो थोड़ा अनबैलेंस ज़रूर हो जाता है, लेकिन सूखने के बाद ये फिर से इक्वल भी हो जाता है। आप इन पिलोज़ को देख सकते हैं, इसके ऊपर बिल्कुल भी अब कोई भी दाग धब्बे नहीं है, इसके ऊपर जो पीले स्टेन्स थे वो भी नहीं है और इसकी शाइन अब काफ़ी हद तक बढ़ गई है। इस मशीन ने काफ़ी हद तक इन पिलोज़ को ड्राई भी कर लिया है, लेकिन ये पूरी तरीके से सूखे नहीं है, इसीलिए हम इसे सूखने भी रखेंगे। तो इन पिलोज़ को आपको रखना है धूप में, जहाँ पे अच्छी तरीके से धूप लगती हो वहीं पे आपको इसे रखना है। तो मेरे पास इस तरीके का एक कपड़े का स्टैंड है, उस पर मैं इन दोनों पिलोज़ को रखूँगी। अगर आपके पास इस तरीके का कुछ स्टैंड वगैरह नहीं हो तो सिंपल टू चेयर्स पे आप इसको इक्वली रखें। इन पिलोज़ को आपको फ्लैट सरफेस पे इस तरीके से रखना है ताकि इसके ऊपर जो भी फोम है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए, या फिर इन पिलोज़ को ऊपर नीचे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से धूप और हवा लगनी चाहिए। हेवी ब्लैंकेट्स या फिर पिलोज़ को हमेशा हेवी धूप में ज़रूर सुखाएं, क्योंकि धूप दिखाने से इसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज होते हैं या फिर बैड ऑडर होता है वो बाहर निकलने में ज़रूर मदद होती है। सो फ्रेंड्स, आज का ये पिलो क्लीनिंग का वीडियो अगर आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए
और हमसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलिए।